बेटा रहता था बेंगलोर और बेटी रहती थी बॉम्बे, दोनों जॉब के लिए चले गए थे, तो पीछे कौन रह गए गांव में? पति और पत्नी, माता पिता दो रह गए, पर बेटा और बेटी दोनों अच्छे थे, साल में 6 महीने कर मिलने आ जाते थे, हर दिवाली पर तो अपने मम्मी पापा के पास आते ही थे। संयोग की बात थी कि जहां बेटी काम करती थी वहां पर भी इस बार काम ज्यादा था, जहां बेटा काम करता था वहां भी काम ज्यादा था, सो इस बार वो दिवाली पे ना आ पाए। अब दिवाली पे ना आ पाए तो जो घर की महिला थी, माँ थी, वो बड़ी उदास हो गई, दिन भर बस वो दुखी, न तो बेटो आयो, न बेटी आई, न तो रिंकू आयो, न पिंकी आई, बस एक ही बात रोज दिन भर, न तो रिंकू आयो, न पिंकी आई। इन बार मारो तो मन नहीं लगे, रोटी नहीं भा रही थी, रोटी खाए, मेरे तो मुझे तो बच्चों की याद आ रही है, मुझे बच्चों की याद आ रही है। पापा ने बच्चों को फ़ोन किया, बेटा मम्मी याद करी आ जाओ। दोनों ने कहा, पापा क्या बताएं, ऑफिस में इतना काम है, इतना काम है, हम मरे छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं किसी हालत में। अब वो मम्मी के तो दिमाग में आ गया, बस न रिंकी आई, न पिंकू आयो, न वो, और वो तो दिन भर उसके दिमाग में वही घूमती रही। एक दिन पापा ने अपनी पत्नी को देखा, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को देखा, उदास चेहरे को देखा, पता लगा वो रोटी आधी नहीं खा पा रही है, बच्चों की याद में डूबी जा रही है, चाय नहीं पी रही है, रोटी नहीं खा रही है, नाश्ता नहीं कर पा रही है। पिता ने उठाया फ़ोन और लगाया अपने बेटे को सीधा, बेटा मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस औरत से। क्या कहा? बेटा मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस औरत से, और मैंने फैसला कर लिया, मैंने निभा लिया, जैसे तैसे निभा लिया। अरे मेरी आत्मा जानती है मैंने तुम्हारी माँ से कैसे निभाया, मेरी आत्मा जानती है, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तलाक ले रहा हूँ। बेटा भौचक्का रह गया, उसने कहा, पापा क्या बात करते हो? नहीं बेटा कोई, उसने बहुत समझाया, पापा क्या बात करते हो, बुढ़ापा आ रहा है आपको, अरे हम इतनी बड़ी उम्र के हो गए, आपके 25-25-30 साल के बच्चे हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मजाक हो जाएगी पूरे शहर में आपकी। उसने कहा, जाए जो कुछ हो जाए, बेटा मेरा फैसला है, मेरा तलाक, तलाक, अरे मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गया। फोन काटा और लगाया अपनी बेटी को, और उसको भी यही बात, बेटा मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारी माँ से 3 दिन के भीतर भीतर तलाक ले रहा हूँ। मैंने इस औरत को कैसे निभाया जिंदगी भर तक, मेरी आत्मा जानती है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरा तलाक तय है। और ये कहते हुए फोन रख दिया। दोनों भाई बहनों में बात हुई, अरे पापा को क्या हो गया? बेन ने कहा, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ पापा को क्या हो गया। और उसने कहा, तू समझा रहे? उसने कहा, मैं तो समझा के हार गई, पापा मान कर रहे हैं, तुम समझा के देखो तुम्हारे, मैं तो बहुत समझा चुका हूँ, नहीं मान रहे हैं। आखिर दोनों ने फैसला किया, चलो एक काम करते हैं, अपन घर चलते हैं, घर चल के मम्मी पापा को वापस समझाते हैं, इनकी गाड़ी को पटरी पे लाते हैं। और बेटे ने फ़ोन किया कि पापा, पापा ने उठाया फ़ोन, हाँ पापा, मुजरो साहब प्रणाम, पापा नमस्ते, पापा प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको तलाक लेना भी होता 3 दिन जारी कीजिए, हम कल की फ्लाइट से भाई बहन दोनों आ रहे हैं, हम पहुँच जाएँ उसके बाद आप तलाक लीजिएगा, उससे पहले कोई बात नहीं। उसने रखा फोन, पत्नी को कहा, कल चाय बना, परसों तेरे बेटा बेटी दोनों आ रहे हैं, सब व्यवस्था कर, कल चाय बना, तू तो फटाफट अब गर्म चाय पिला दे मुझे। पहला मंत्र है, जीवन को बहुत सहजता से लियो, बहुत सहजता से लियो, बहुत सहजता से लियो जीवन की हर व्यवस्था को। और जो मैं दूसरा अनुरोध करना चाहता हूं वो है, जीवन को बहुत प्रसन्नता से लियो। पहला क्या है? पहला मैंने क्या कहा? सहजता से लियो। दूसरा मैंने क्या कहा? बहुत प्रसन्नता से लियो, प्रसन्न रहो। एक बार मुस्कुराओ तो, तबीयत से मुस्कुराओ तो। हम तो जीवन का पाठ यही पढ़ाते हैं, हम तो ये दावा करते हैं, हम जिस शहर में जाते हैं ना, उस शहर से जब वापस विदा होते हैं, उस शहर में और कुछ हो या ना हो, पर उस शहर का हर इंसान एक खुला हुआ गुलाब का फूल जरूर बन जाता है, हर आदमी हंसता खेलता मिठास से भरी हुई जिंदगी का मालिक जरूर बन जाता है। आदमी किसका मालिक बन जाता है? मिठास से भरी हुई जिंदगी का मालिक जरूर बन जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। वो कहते ना, जो सुख चावे जीव ने तो गेलम गेलो रे, कहीं रे मन नहीं पता। वो पंजाबी में कहते ना, मीनू नी खबर मीनू की खबर, क्या है? मीनू की खबर और मीनू नी खबर, बस ठीक है। हजार माथा फोड़ियों से बचने के लिए, भाई मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, क्या है? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मीनू नी खबर मीनू की खबर। बिगड़े हुए दिमागों में हम खुशियों के लच्छे हैं, क्या है? बिगड़े हुए दिमागों में हम खुशियों के लच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। हर हालत में प्रसन्न रहो, हर हालत में खुश रहो, हर हालत में आनंदित रहो, अपने जीवन का फैसला कर लो। नंबर एक सहजता, नंबर दो प्रसन्नता, नंबर तीन सरलता, नंबर चार समरसता। उठापटकें होती रहेगी, बातचीत रुकी रहेगी। मैं तो अपने एक शब्द ना सामायिक, क्या है? सामायिक,
ये क्या है? सामयिक किसका प्रतीक है? समरसता का, समता का प्रतीक है। आपको पता है ये कई बहनों ने सामयिक ली हुई है, मुंह पर मुपत्ति बांधी हुई है। माता जी आप बताएंगे आपने मुपत्ति क्यों बांधी है? ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। कि हम अगर मुंह पर वस्त्र बांधकर सामयिक कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं शांति की उपासक हूं। ये कोई परंपरा का प्रतीक नहीं है कि कोई अगर मंदिर जा रहा है तो मंदिर मार्गियों का प्रतीक है और कोई मुपत्ति बांध रहा है तो थानक का प्रतीक है। ये शांति का, ये धर्म का, ये प्रेम का प्रतीक है। और मैं यही तो कहना चाहता हूं, आज का मंत्र क्या कह लिया जीवन का? सहजता, समरसता, सरलता, सौम्यता, धीरजता से जिंदगी जियो, अपना आराम अपने में मस्त रहे, हर पल आनंद 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 से अपनी जिंदगी जिए।